आइए भाई। कान तान ये सब कुछ हो गया, किम कृत्वा अधिगमम ज्ञात्वा, पूर्व में कहा हान उपादान उपेक्षा, तो हानादि लिखा है, प्रमाण का जो फल है अज्ञान की निवृत्ति, हान उपादान उपेक्षा, हे उपादे उपेक्षा, जो ग्राहीमान है उपादे हैं, अग्राही है हे है, जो ग्राही भी नहीं है अग्राही भी नहीं है, तुम्हारे लिए उपेक्षा। तो सबसे पहले ज्ञान का फल है अज्ञान की निवृत्ति, फिर उपादान को ग्रहण करना, उपादे को, हे को छोड़ना, उपेक्षणी की उपेक्षा कर देना। उपेक्षणी की उपेक्षा यदि नहीं करना जानते तो तुम पागल हो जाओगे। हर वस्तु को जानना, जानने में आ सकता पर जानना नहीं चाहिए। सामान्य में देखो जाइए आगे, अब रास्ते में आप जा रहे हो, कितने प्रकार के विचित्र सामग्री दिखती हैं, कोई लोग हंसते मिलते, कोई रोते मिलते, कोई खाते मिलते, कोई बिलखते मिलते, सब पर दृष्टिपात करोगे तो तुम्हारा मस्तिष्क फट जाएगा। जितने मुनिराज हैं उपेक्षा के बल पर केवल ज्ञान को प्राप्त करते हैं, वो आप जो मुस्कुरा रहे हो वो उपेक्षा के बल पर मुस्कुरा रहे हो। आप एक अपेक्षा लेके आ जाओ भी चेहरा सिकुड़ जाएगा। उपेक्षा संसार की सबसे बड़ी विद्या है, उपेक्षा। इसलिए प्रमाण का फल उपेक्षा रखा, फिर धीरे से चारित्र को उपेक्षा संयम रखा। उपेक्षा संयम सबसे उत्कृष्ट संयम, उपेक्षा संयम उत्कृष्ट संयम। उपेक्षा संयम ही यथाख्यात को प्राप्त कर सकता है, अप्र संयम ही यथाख्यात चारित्र को प्राप्त नहीं कर सकता। समझ में आया कुछ? उपेक्षा संयम ही, उपेक्षा संयमी ही यथाख्यात चारित्र को प्राप्त कर सकता है, अप्रद संयम में यथाख्यात चारित्र प्रकट नहीं हो सकता। अप्रद संयम में यथाख्यात चारित्र प्रकट नहीं हो सकता। पीछे से मार्जन करना, जीवों को हटा देना और कांटे लगे निकाल देना, इच्छित आहार करके आया ना कहीं, सब अप्रद संयम है। पंचम काल में मात्र अपर संयम है, उपेक्षा संयम नहीं होता किसी भी मुनि को। और कभी जीवन में अपने शिष्यों के मध्य में प्रभाव बताने के लिए ये कह मत देना कि मैं सामायिक में उपेक्षा संयम में चला जाता हूँ, समाधि बिगड़ जाती है। अब तो तुम प्रयोग करके देख लो। हम तो स्पष्ट बोलते हैं, जैसे कि पंचम काल में इंगनी मरण नहीं होता, शुभम ध्यान से सुनना, पंचम काल में प्रायोग ग्रहण मरण नहीं होता। जो भी बोलते हैं कि आचार्य शांति महाराज ने कर लिया, वे झूठ बोलते हैं। आचार्य महाराज के दूसरे साधु सेवा कर रहे हैं, बाकायदा उनको आहार के लिए साधु लेके जा रहे हैं। इंगनी मरण में कोई दूसरा साधु सेवा नहीं करता, समझे ना? वो तो ये भक्ति के अतिरिक्त बोल दिए हैं। हमने उनको समझाया कि देखो भक्ति अलग विषय है, आप जो लिख रहे हैं ना, आगम का नाश कर रहे हो, आगम तोड़ रहे हो। मैं आचार्य महाराज का शत्रु नहीं हूँ, मैं भक्त आदमी हूँ, लेकिन किसी भी आचार के निमित्त से एक बार एक विद्वान ने लिख दिया हमारे लिए भगवान महावीर के अवतार, हमने अपने हाथ से उसको हटा दिया। हमने ध्यान दीजिए, हम लोग अवतारवादी नहीं हैं। इसीलिए पंचम काल में मात्र भक्त प्रत्याख्यान मरण ही होता है, इंगनी मरण नहीं होता, प्रायोगण मरण नहीं होता। प्रायोगमन मरण में न स्वयं सेवा कर सकते हैं न दूसरे से कराते। इंगनी मरण में मुनिराज स्वयं सेवा कर सकते, दूसरे से नहीं करवाते। भक्त प्रत्यान स्वयं भी कर सकते, दूसरे से भी करवा सकते, कोई का सहारा नहीं ले सकते। तो हमारे बड़े बड़े आचार्यों के साथ ऐसे बातें मत जोड़ दो जिससे भविष्य में लोग अश्रद्धान खड़े करें। तुम करा रहे क्यों? श्रद्धान के लिए होगा अश्रद्धान। बोले क्यों अश्रद्धा? बोले आगम तो ये कह रहा है, होता नहीं पंचम काल में, हो कैसे गया? ऐसी एक आचार्य महाराज ने अपने शिष्यों के बीच में बोल दिया, हम सामायिक काल में उपेक्षा से ये में चले जाते हैं। तो मैंने तुरंत समाचार भेज दिया, हमारा समाचार तो मार्ग से गूंजता। फिर
सबको पता चल जाता कि माइक से गूंजता भाई, मात्र जिन शासन की रक्षा के लिए गूंजता, कोई लेन देन नहीं उपेक्षा, कि आप किसी भी अवस्था में पंचम काल में उपेक्षा संयमी नहीं हो। और इस प्रकार से कथन करने से कुमरण होता है, जो विषय आगम में नहीं है उसे अपने में थोपना नहीं चाहिए। बहुत सारे विषय बेटा समय सार के हैं, जो मात्र तुम्हें जानने के लिए है वर्तमान में, लेकिन पालन नहीं कर सकते। बहुत सारा विषय मूलाचार में आज आप तुम जान लो, पहचान लो, समझ लो, ज्ञान प्राप्त कर लो, लेकिन तुम जी नहीं सकते हो, कुमरण हो जाएगा। चारित्य के एकांत में भी जाओगे तब भी कुमरण हो जाता है, क्या रहस्य। और शीतलाचारी का तो कुमरण होना ही है, लेकिन जो चारित्य के एकांत में, उसका कुमरण का मतलब क्या है, जो शक्ति तुम्हारे पास नहीं है उससे ज़्यादा तुम खींच रहे हो, और आयु क्रम अधिक है और तुम खींचा, संकलेशता बन गई, मृत्यु तो होगी, संकलेशता के साथ होगी तो कुमरण तो हो जाएगा। इसलिए पंचम काल में मध्यम मार्ग को स्वीकार करना चाहिए। क्या उत्सर्ग मार्ग, अपवाद मार्ग, ये प्रवचन सार में लिखा हुआ है, उत्सर्ग मार्ग, अपवाद मार्ग। तो आप उत्सर्ग मार्ग पर नहीं चल पाएंगे, उत्सर्ग अपवाद को लेकर चलिए। यह बहुत अच्छी अच्छी बातें हो गई। उपेक्षा प्रयोजन में सम व्यवहार का स्थान कई परीक्षा अभिसंधि, अभिसंधि भी अभिसंधि पूर्वक अभिप्राय पूर्वक ज्ञातृ अभिप्राय, अभिसंधि भी मतलब ज्ञाता का अभिप्राय। अनेक अंतः, अनेक हैं धर्म, अब सुनिए ध्यान से, अनेक धर्म का मतलब पीयूष, आत्मा में या वस्तु में सहभावी धर्म है कि क्रमभावी धर्म है। वस्तु में सहभावी धर्म है कि क्रमभावी धर्म है, बोल बालक बोल। सत्यासागरी, अनुमान से नहीं बोला, पता हो तो ही बोलना, नहीं तो तुमने सोचा उनने ऐसा बोल तो हमें ऐसा बोले दे रहे। आत्मा में सहभावी धर्म है कि क्रमभावी धर्म है, क्या सुबक सागर जी, आत्मा में सहभावी धर्म है कि क्रमभावी धर्म है, क्या नाम इनका, वकील साहब बड़े ध्यान से सुनना पड़ेगा, उसे बात होती रहेंगी, अब तुम्हें इन्हीं में रचना पचना है। आत्मा में सहभावी धर्म है कि क्रमभावी धर्म है, सम्यक सागर जी तुम कहोगे हमसे नहीं पूछा, आत्मा में कौन सा धर्म है, ये पुस्तक बंद कर लो तो तुम समझ में आएगा। लोग ये कहेंगे इतने बड़े बड़े ग्रंथों का वाचन होता है यहाँ पर, ये लोग कुछ बता ही नहीं रहे। आत्मा में सहभावी धर्म होता है क्रमभावी, प्रत्येक ध्रुव में सहभावी धर्म भी होता है, क्रमभावी धर्म भी होता है। इन्हीं धर्मों के बल पर द्रव्य अनंत धर्मात्मक है, क्यों, पर्यापड़मन होती रहती है, अनंतन पर्यापड़मन तो होती रहती है। इसलिए जो पर्यादृष्टि से क्रमभावी धर्म है, और गुणदृष्टि से सहभावी धर्म है, इसलिए द्रव्य सहभावी क्रमभावी धर्मों का पिंड है। बोलो महात्मा जी। अब विस्तार ये है, आप मनुष्य हो, ये तुम्हारी पर्याय है, असमान जाति पर्याय है, इसे भी स्वीकार करो। समय सार निषेध करेगा, समय सार निषेध करेगा, लेकिन समय सार में अमृतचंद स्वामी ने जो कलश लिखे हैं, उन कलशों पर जो टीका हैं, समझ रहे ना, उनको बहुत अच्छे समझना चाहिए। जैसे कि अभी विषय चल रहा था अध्यात्मृत कलश में, सत्यार्थ, देखो भाई आप अंतराय डाल रहे हो और स्वयं में डाल रहे हो, फिर नहीं बता पाएंगे हम क्या पूछ रहे हैं आपसे। सत्यार्थ का व्याख्यान करते समय सत्यार्थ को भूल नहीं जाना चाहिए,
अब मैं भाषा बोल रहा हूँ अपनी, सत्यार्थ का व्याख्यान करते समय सत्यार्थ को भूल नहीं जाना चाहिए। सत्यार्थ के व्याख्यान में तुमने असत्यार्थ की पुष्टि कर दी। जैसे कि ये भगवान आत्मा है, गुड़िस्तान इनका धर्म नहीं है, ये चैतन्य आत्मा है। जब धर्म नहीं है कह क्यों रहे हो? असत्यार्थ है गुड़िस्तान, क्योंकि सत्यार्थ है गुड़िस्तान। गुड़िस्तान सत्यार्थ ही है। गुड़सन्ना मोह जोग भवा, अन्यथा अवतार्थ, क्योंकि अवस्तु हो जाएगा, अवस्तु का व्याख्यान नहीं होता। फिर निषेध क्यों कर रहे हैं समय सार में? निषेध इसलिए कर रहे हैं गुड़िस्तान में तुम रहोगे, पर गुड़िस्तान में तुम्हें राग नहीं करना है। गुड़िस्तान में तुम रहोगे, गुड़िस्तान से द्वेष नहीं करना है। यदि मिथ्यात गुड़िस्तान में भी है, उससे निकलने का पुरुषा कीजिए, पर द्वेष मत कीजिए। यह साधना मानसिक मिथ्यात गुड़िस्तान में है। जैसे कि मैं दलदल में फंस गया, तो मुझे दलदल से निकलने का पुरुषा करना चाहिए। दलदल के लिए गाली नहीं देना चाहिए, हमको निकलना है। और हम दूसरा दलदल और हमने खड़ा कर लिया। ये गुण रहस्य। इसलिए मैं समझता हूं कि जितने आध्यात्मिक लोग हैं उन्हें असत्यार्थ कहने के पहले सत्यार्थ कहना सीखना चाहिए। सत्यार्थ कहना नहीं सीखोगे, सिद्धांत शास्त्र का विनाश हो जाएगा। समय सार जी में है क्या? निषेध करना ही समय सार है। पूरे समय सार में क्या लिखा? निषेध। तो आपको बोध होना चाहिए, जहां निषेध है वस्तु का वहां विधि नियत है। जैसे कि दूसरा दृष्टांत देता हूं, वहीं से फिर आगे बढ़ता हूं। समय सार जी में 16 और 15, किसी अपेक्षा से 14 15 ये दो घात हैं, जहाँ जो जाने दी पश्चिदी पणम अवध पटन नियदम अवशेष मजदूणम पश दिन शासनम सभ्यम। ये गाथा सूत्र है। इस गाथा में ये कहा है, जो जानता है आत्मा को अबद्ध, अस्पर्श, अन्य, अविशेष, अन्य, अवशेष, असंयुक्त यानी अयुक्त, वही जिन शासन को जानता है, वही शुद्ध ने का ज्ञाता है। ठीक है, लेकिन इस गाथा का व्याख्यान एकांतिक नहीं होना चाहिए। आत्मख्याति टीका पढ़ना चाहिए, फिर करना चाहिए। जैसे समय टीका पढ़ना चाहिए। अब जैसे अमृत समय टीका पढ़िए। पहला भंग है जो पसद्य पणम अबद्ध पुट्ठम। अबद्ध, जो आत्मा को अबद्ध देखता है वही सत्यार्थ है। बंद अभाव दृष्टि से अबद्ध देखता है, ये सत्यार्थ है। मैं वहां की भाषा बोल रहा हूं, बंद दृष्टि को अभाव करके देखता है, ये सत्यार्थ है, अबद्ध है। बंद युक्त आत्मा को देखाएगा तो बंद सत्यार्थ है। बोलिए बराबर। यदि बंद सत्यार्थ नहीं है तो अबंध देख भी क्यों रहे हो आप? अबंध में डूब जाओ ना, फिर संसारी हो क्यों? इसलिए तार्किक दृष्टि का प्रयोग करना चाहिए। जितने मुमुक्षु भाई है इनका अध्यात्म एकांतिक है, उस एकांतिक अध्यात्म के कारण परेशान है। अब चलिए, एक ही अर्थ है। अब भूतार्थ यानी सत्यार्थ सम्यक अर्थ है, समीचीन है, यथार्थ है, वास्तविक है।
अब माना कि आप छात्र थे इसलिए हमने आपको ऐसा समझाया, वो भी सत्यार्थ ये भी सत्यार्थ। अब मैं एक योगी को समझाता हूँ, योगी शब्द का प्रयोग, साधु शब्द का प्रयोग नहीं किया, योगी को समझा रहे हैं। हे श्रमण, बद्ध का अनुभव अनंत काल का है, बद्ध को ही भेदोगे चिद्रूप को कब समझोगे, इसलिए बंद परवस्तु में परवस्तु का है, यथार्थ में कर्म में ही कर्म का बंध है, कर्म की योग्यता से है जीव का सत स्वतंत्र, चेतन का सत स्वतंत्र है, वो तो किसी में आज तक बंधा ही नहीं है, रस्सी रस्सी में ही बंधी है, गाय में कहाँ बंधी है, रस्सी रस्सी में बंधी है, गाय में कहाँ बंधी है, गाय फंसी है, रस्सी रस्सी में बंधी है, गाय फंसी है, कर्म कर्म में ही बंधे हुए हैं, चैतन्य भगवान आत्मा फंसा हुआ है, जैसे रस्सी का रस्सी से गाय स्वतंत्र है, ऐसे जीव का परिणाम भी जीवत्व भाव स्वतंत्र है। इसलिए आप अखंड ध्रुव को ही वेदन करो, मत करो वेदन बंद का, बंद अवतार्थ है, चैतन्य स्वभाव नहीं है, कषाय एक भाव से बंद हुआ है। ऐसा चिंतन करेगा जीव, उसे तत्व का निर्णय होगा, आत्मशांति मिलेगी, और सापेक्ष लेके बोलेंगे तो समझ बुद्धि बढ़ेगी, लेकिन अनुभूति नहीं हो पाएगा। इसलिए शुद्ध समय सारी सुनने की क्षमता लाभ, उसमें आप माध्यम झूमते रहोगे, सुनना चाहिए मुनियों को, इससे कर्तृत्व भाव का विनाश हो। इसलिए शब्द ब्रह्म का आनंद आत्मा ही ले रही है, इसे भी जानो, ये गुण रस बुला है, शब्द शब्द ब्रह्म का आनंद लेता ही नहीं, आत्मा ही शब्द ब्रह्म का आनंद लेती है, आनंद पर का आता ही नहीं है, आनंद स्वयं का ही आता है, पर छूट जाता है, निज का ही रहता है, बहिर्भाव से अंतर्भाव से आनंद स्वयं का ही रहता है, पर का होता ही नहीं, आनंद गुण आत्मा का है, पर का है ही नहीं, किसका है, आत्मा का है, शब्द का है ही नहीं, पुद्गल की पर्याय है, पुद्गल में कहाँ आत्मा का आनंद खोज रहे। इसलिए वेदन स्वयं का ही होता है, अर्थ अधिगम होगा तो स्वयं का होगा, शब्द अधिगम होगा तो स्वयं का होगा, ज्ञान अधिगम होगा तो स्वयं का होगा, स्यात्। इसलिए अधिगम में ज्ञात्वा तो सहभावी और क्रमभावी धर्म ये सब अनेकांतस्तम, वही है अनेकांत, तम उसे अनेकांतस्त, कैसा हो अनेकांत, कस्मात किससे जानू, श्रुतात श्रुत से, किम श्रुत नाम, स्याद बाद था, स्याद बाद ही श्रुत है, स्याद बाद ही श्रुत है, इसे कभी भूलना नहीं, श्यादवाद केवल ज्ञाने सरतत प्रकाश ने भेद साध साच सतम भवेत। हम क्या सोते प्रमाण सागरी प्रणम क्या प्रणाम सागरी, हम ये सोचते हैं जैसे अपन सब बैठे दो आचार मुलराज, अनेक आचार मिले, इलाचार मिले, ठीक है, निर्यापक मुनि मिले, छपक मिले, बाग में मिले, नैयायिक मिले, फिर अपन सब बैठ करके कोई बाहर की बात नहीं आने दो,
नए प्रमाण नए प्रमाण नए प्रमाण, शादवाद निकांत निक्षेप, जो यहाँ ढूंढ के देखे बिना वो कहे कि भिन्न लोक में आ गया हूँ, ये क्या हो रहा है यहाँ पर। ऐसे मुनियों की सभा होना चाहिए जिसमें कुछ नहीं हो, कम से कम जो बैठते भी तो बैठ सकते, आप तो बैठ सकते हमारे साथ। जिज्ञासु जीव बैठता है ज्ञान का आनंद आता है। बड़े बड़े पंडित आते ना तभी हमारे ना महाराज लोग खुश होते हैं। कैसे खुश होते हैं, आप छोटे की याद करो, जब अपने यहाँ महाराज जी आते थे तो अपन खुश होते थे। दो प्रकार खुशी, एक महाराज ज्ञानी खुशी, एक अच्छा खाना बनने वाला है वो खुशी, समझ रहे नहीं आप। सब बच्चों को फल मिलने वाले हैं, ठीक है। तो अब मेहमान आए, तो मेहमान आए तब बच्चों को खुशी, बोले क्यों भाई आए ना, कुछ तो लेके आए होंगे, घर में भी अच्छा बनेगा। तो ऐसे जब हमारे यहाँ पंडित आते तो सब खुश होते, बोले क्यों आज कुछ उत्कृष्ट व्याख्यान होगा, गरिष्ठ होगा, तो सब तैयार रहते हैं, ठीक है, आनंद आता। पंडित होना चाहिए बड़ा ऊँचा, फिर आनंद आता। अनेकांत महात्मा जीवाद अर्था, तो जीवा पद कैसे अनेकांत, उत्पाद भय ध्रुवयुक्तम सत, उत्पाद भय ध्रुव सत, सत सत इत्यादि श्रुत सन्निधान सन्नाश्रित, जो सत क्या है, श्रुत से आश्रित है। पुनपि तद धर्मान, उनका धर्म कैसे जाने, व्यवहारार्थ, व्यवहार से, व्यवहारार्थम व्यवहार के लिए, नई गमनादि नई नई गमादि नई के द्वारा परीक्षते, परीक्षा करना चाहिए, परीक्षा करते। संक्षेप रुचि प्रमाता, अब प्रमाता तीन प्रकार के हैं, संक्षेप रुचि, मध्यम रुचि और विस्तार रुचि, तीन प्रकार के प्रमाता हैं। अब तीनों प्रकार के प्रमाताओं की यह बात कर रहे हैं। तस् तावत एव तत्वधिगम संभवात, उनको उसी से तत्व का अधिगम संभव होता है। देखो जो संक्षेप रुचि वाला उसको ज़्यादा समय सिरदर्द करता है उसका, आप हमें शॉर्ट में समझाइए हम समझ जाएंगे। जो मध्यम रुचि वाला है उसे संक्षेप में समझाओगे तो उसका सिर फटता है, ठीक है। अब जो मध्यम वाला उसको विस्तार मत करो तभी सिर फटेगा, जो विस्तार रुचि वाले उन्हें ही विस्तार से समझाइए आप। इसलिए सर्व सत्व निहार्थम सताम प्रयासा, जो साधु पुरुष होते हैं सभी का उपकार हो ऐसा प्रयास होता है। तो प्रवचन हमारे जो ना ऐसे होना चाहिए, संक्षेप रुचि वाले के लिए भी हो, विस्तार रुचि वाले के लिए भी हो और मध्यम रुचि वाले के लिए भी हो। कठिन विषय भी बोलो उससे सरल भी बोलो और थोड़ा सरल करो लास्ट में। पूरे ही सरल करोगे ना तो प्रणाम सागर जी कभी पंडित नहीं बैठेंगे, और जिस समय पंडित ना बैठे वो सभा सभा ही नहीं है। विद्वान होना चाहिए, घर में बुजुर्ग हो तो घर की शोभा है, सभा में विद्वान हो तो सभा की शोभा है, वो संघ में बुजुर्ग अच्छे ज्ञानी ध्यानी साधु हो तो संघ की शोभा है। समझ रहे कि नहीं, बुजुर्ग बनो, ज्ञान के बुजुर्ग बनो, संयम के बुजुर्ग बनो। इसलिए प्रमाणिक वचना प्रक्षेप संक्षेप रुचि विनेश आशय वसात आदि इत्यादि उत्तम। संक्षेप रुचि वाले विनय की अपेक्षा के आशय से कहा, अयम अर्थ अनेकात्मक जीवादि पदार्थ, अनेकांत जीव पदार्थ जीवादि अर्थ उत्पाद ध्रोक्तम हो गया, तस् तावते वो तदगम संभव। मध्यम रुचि पुनर्विशेषम ज्ञानोपन्नैर नामादि निक्षेप, अब मध्यम रुचि है उनके लिए नाम निक्षेप आदि निक्षेप की दृष्टि से कथन किया है। क्या मध्यम रुचि वाले हैं, अर्थ अधिगमात प्रत्यय रूपन वेदान, उनको प्रत्यय रूप भेद कर नायस। और अब ये निर्देश आदि अनुक्त अनुक्त ही, और निर्देश आदि भी कथन करना ये मध्यम रुचि वालों के लिए है। तसे वो तावत प्रपंच का आकांक्षितात्वात, जो प्रपंच के आकांक्षी हैं, कुछ लोग बोले और प्रपंच नहीं विस्तार, बोले और क्या होता है, और क्या होता है, विस्तार रुचि अस्तु। विस्तार रुचि वाले शिष्य जीवादि द्रव्याणि प्रत्येकम,
जीवादि प्रत्येक है सत, तो उसमें क्या बोलना, सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्पहितस्य तत्वासूत में सर्वासिद्धि में सबसे ज्यादा व्याख्यान किसका है, सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन का है। समझ में, विस्तार रुचि वालों के लिए है। 40 प्रश्न श्री धवला जी की पहली पुस्तक सत पर सतप्रिय उपड़ा पूरे 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 ये ही सूत्र पर चलती आदि अनुयोगी अनुजम। और क्या ना भैया, एक आध ऐसे शिष्य खोजो जो तुम्हारी बुद्धि को खोजे। शिष्य गुरु को ज्ञानी बना देता है, ठीक है। आप हमारे पास थे, प्रश्न करते थे, याद है आपको? तो कोई प्रश्न करेगा तो उसके लिए उत्तर खोजना पड़ेगा ना आपको। अब कोई प्रश्न ही करने वाला नहीं तो उत्तर कहाँ से खोजोगे। पहली बार हम कर्नाटक से बिहार किए तो तुरंत मैं फटाफट सोलापुर पहुंच गया। बोले मैंने कि क्यों, बोले यहाँ कहीं नहीं रुकूंगा मैं, बोले इनके पास कोई ना कोई सुनने वाला ना सुनाने वाला है, इसलिए बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। मैं सीधा सोलापुर में चौमासा किया 2006 में। बोले क्यों किया, यहाँ सुनने वाले लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं, और ज्ञान से ज्ञान बढ़ता है, ठीक है। अब जैसे भट्टारक जी हैं, ये दोनों भट्टारक एक एक चेला खोज लें कहीं से, वो ऐसा चेला खोजें जो इनका दिमाग खाए, मतलब बार बार पूछे गुरु जी ऐसा कैसा ऐसा कैसा। तो मालूम ये मठ को देखने के साथ साथ ग्रंथ देखेंगे, वो कोई चेले ही नहीं मिलेगा तो फिर मठ ही देखेंगे। सुना बालक, मैं प्रणाम सारू बोल रहा हूँ। एक आध ऐसे चेले खोज के लाओ जो कि दिमाग खाए। सही बोल रहे हैं। माँ विभव सागर हमसे बोले, विभव सागर जी बोले अच्छे तुमने ढूंढ ढूंढ के रख लिए, ठीक है। क्या एक कुंतू सागर से कुशागनंदी महाराज हासन बोले हमसे, बोले विश्व सागर तुम्हें तो कोई चिंता है नहीं। बोले क्यों मनी मारी, क्या हो गया? बोले मैं भी ज्ञानी था, ऐसा बोले मैं भी ज्ञानी था और हूँ भी, परंतु अब मेरे पास कोई बच्चे नहीं है पढ़ने वाला। अब पढ़ने वाले तो मैं किसको पढ़ाऊँ। बात महाराज कायदे की थी, अपने पास हमारे पास उस समय तीन छुल्लक थे ना, और पृथक सागर विश्वम बहुत अच्छे प्रश्न करते थे, अच्छे प्रश्न करते थे, ठीक है। शुरू नहीं करोगे? अच्छा बस मैं चलता हूँ, पूरा कर दूँ लाइन, है ना। तो निर्देश अभियुक्ति तस्य वो विस्तार उचित जीवादि द्रव्याणि प्रत्येकम सदा अभिनोगेगी अनुज्जम सत आदि अनुयोग के द्वारा जोड़ करके गुण जीवा गुणिस्तान जीविस्तान पर्याप्ति आदि भेदे तत्वतम वेत्ति। तो इस विस्तार से तत्व को कथन करना, ततो विशुद्ध अधिगम सम्मिद। आप सुनिए, ये गुणस्थान मारणस्थान पर्याप्ति प्राण आदि तत्वों को जान करके बालक निर्गंत गुरु इससे विशुद्धि बढ़ती है। अब विश्वास मानिए, जितना गहरा ज्ञान होगा मैं तो आपको बता सकता हूँ, यदि आपको विश्वास हो तो, और ना भी हो तब भी बता रहा हूँ। हम तो भैया ही बता रहे, प्रणम सागर जी हमारे एक महर साहब थे, बे जोड़ बाकी भाग गुड़ा भाज्य गुणन फल ये लघुत्तम महात्तम ये सब वो पहले पढ़ाए जाते थे, अब पता नहीं है, ठीक है। तो जब वे जोड़ बाकी घटाओ बढ़ाओ वो स्लेट पे बोलते थे, तो जब वो हम उनका सवाल हल करके ले जाते थे और बिल्कुल यूँ कर देते थे, इतनी खुशी होती थी, इतनी खुशी आह आनंद आ गया, बहुत विशुद्धि बनती थी, ठीक है। हाँ ऐसे ही, तो ये प्रमाण मिल गया हमको ज्ञान से भी शुद्धि बनती है। कर्नाटक, अरे कन्नड़ आओ, तो विशुद्धि ऐसे ही ये गुणस्थान, जितना तुम गहरा 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 अगर कर्णानुक सीखते सीखते जाओगे तो विशुद्धि बनेगी,
विशुद्धि सम्यक दर्शनम, उसे सम्यक दर्शन होता है। सन शुक्ल ध्यान आदि रूपांतर, फिर शुक्ल ध्यान आदि को प्राप्त करके तपसाम कृतन तपस्या कर से कृष्ण कर्ण निर्मूलनम, संपूर्ण कर्मों का निर्मूलन कृत्वा विमुक्तम सुखम परम अनुभूति, निर्वाण का फल प्राप्त करता। देखो कहाँ आपको प्रमाण निधिगमा से प्रारंभ करके आपको निर्वाण तक की यात्रा करा दी। इसलिए स्वाध्याय करना चाहिए, इसलिए स्वाध्याय करना चाहिए। स्वम दोनों स्वामी खड़े तुम्हारे, ये लड़का तुम्हारा बहुत देसी है, उधर बैठा वो काली शर्ट पहने, आप जानते इसको, ये तुम दोनों का हितेशी है। इसने हमसे बहुत सारी बातें कही, बोला हमारे दोनों स्वामी अच्छे हैं, बस यहाँ पर एक ग्रंथालय खोल करके और स्वाध्याय और करा दें। आप तो एक ऐसे, इनको भी मैंने कहा कि एक भट्टारक हुए हैं, उनके ग्रंथों को सारे सोनगढ़ी पढ़ते हैं, वही छपा रहे, ज्ञान भूषण करके कोई भट्टारक हुए हैं बहुत पुराने, उन्होंने चिद्रूप शुद्ध स्वभाव एक ग्रंथ लिखा है। हाँ, उस ग्रंथ को हम लोगों ने पढ़ा, बीच में बड़े ज्ञानी हैं, तत्वसार एक ग्रंथ है, देवसेन स्वामी का, कमल कीर्ति नाम के भट्टारक हुए सोनागर में, सोनागर में उन्होंने उस पर संस्कृत टीका लिखी, उस पर हम व्याख्या कर चुके हैं तत्वसार। तो कमल कीर्ति नाम के भट्टारक हुए हैं, उन्होंने संस्कृत टीका लिखी है, बहुत भट्टारकों ने ग्रंथ की, जैसे शुभचंद्र हैं और सकल कीर्ति भट्टारक, देश में इससे सर्वाधिक ग्रंथ कोई लिखने वाला कोई वर्तमान हुआ है तो भट्टारक सकल कीर्ति, जिन्होंने हर विषय पर ग्रंथ किए, पुराण शास्त्र कर्णानुयोग द्रव्यनु प्रथमानुयोग हमारे सारे मूलाचार सब पर ग्रंथ लिखे, सकल कीर्ति, सकल कीर्ति। चलो, अरे मैं मालूम क्यों बोल रहा हूँ, इनको भर रहा हूँ, लोग भरो भरो भरो, भरो।